गाइस वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस कल गए थे हम नरसिंहपुर दुर्गा जी के पंडालों की वीडियोस बनाने के लिए। तो गाइस जितना हमसे हो सका रात के 12-12 बजे के समथिंग तक हमने अपने पंडाल बनाए, उनकी वीडियोस बनाई। तो कुछ रह गए हैं, ज़्यादा नहीं, 6-8 और पंडाल रह गए हैं। बहुत ही खूबसूरत ओल्ड नरसिंहपुर की तरफ जो इस तरफ के भी रह गए हैं, तो उनकी भी हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो अभी बज रहा है रात का 7:01 में हमको वीडियोस बनाकर वापस भी आना है। तो चलिए, जितने ही पंडालों के दर्शन आपको कराने के लिए रह गए थे तो आज वो भी करा देते हैं। तो आज हो रखी अष्टमी, तो जय माता दी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में आ चुके, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नए वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो चलिए तो गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं शंकर वाट की महाकाली के इधर से ओल्ड नरसिंहपुर। तो देख सकते हो भाई, नरसिंहपुर में एक ही जगह महाकाली की स्थापना की जाती है, तो वो की जाती है शंकर वाट में, पुरानी बस्ती नरसिंहपुर में तालापार के पास। तो ये देख सकते हो आप कितनी भव्य और कितनी सुंदर प्रतिमा की स्थापना की गई। इसका मैंने पहले ही ब्लॉग बनाया था जब ललित मूर्तिकार जी के इधर इनकी जो मूर्ति बनाई जा रही थी, तब मैंने इसका ब्लॉग बनाया था। तो देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है माँ की मूर्ति और सजावट। तो ये रही मूर्ति। तो अभी आ चुके हैं हम गुलाब चौराहा के पास, स्थापित है माँ दुर्गा की प्रतिमा। तो यहाँ पर ही बहुत ही सुंदर श्री शंकर काली मंडल शंकरवाड गुलाब चौराहा नरसिंहपुर। तो यही है, वो दोनों मंडल सेम एक ही हैं। तो कितनी सुंदर यहाँ पर भी सजावट की गई। गाइस अभी आ चुके हैं हम शराफा बाजार, ये रहा भाई गुलाब चौराहे के नीचे साइड वाला एरिया। और यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर माँ की प्रतिमा रखी गई है और बहुत ही सुंदर सजावट की गई है पूरे एरिया में। देख सकते हो आप, लाइटिंग से बिल्कुल जगमगा रहा है पूरा एरिया। तो देख सकते हो आप भी दर्शन करने जरूर आए इस तरफ, पुराने नरसिंहपुर की तरफ, ओल्ड नरसिंहपुर की तरफ, तालापार पूरा ये एरिया भाई। यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर सुंदर माँ की प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। तो आइए आप भी और दर्शन कीजिए। तो पढ़ते हैं, अभी पहुँच चुके हैं हम उत्कृष्ट विद्यालय के सामने सदर रोड की तरफ। तो यहाँ पर भी माँ की बहुत ही सुंदर झांकी बनाई गई है, झूले पर विराजमान है माँ। और देख सकते हो कितना ग्रीन इफेक्ट लाइट का दिया गया, पूरा ग्रीन ग्रीन। शक्ति नव दुर्गा मंडल, बहुत ही महाशक्ति, श्री महाशक्ति नव दुर्गा मंडल की तरफ से यहाँ पर बहुत ही सुंदर झांकी बनाई गई है। हर वर्ष की तरह ये कुछ नया ही बनाते हैं। और चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और जो पंडाल रह गए हैं। तो गाइस चलते चलते अब पहुंच चुके हैं हम ओल्ड बस स्टैंड, ये पंडाल भी रह गया था जब मैं इस तरफ आया था, तो यहाँ की मैं वीडियोस नहीं बना पाया था। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर माता की जो माँ दुर्गा की झांकी है वो ही बनाई गई है और बहुत ही सुंदर माँ की प्रतिमा स्थापित की गई है। ये भी बहुत टाइम से यहाँ पर, जब यहाँ पर बस स्टैंड हुआ करता था तब से यहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। बहुत ही सुंदर लगा भाई, यहाँ पर भी बहुत ही सजावट की गई है। और अब आ चुके हैं हम नरसिंहपुर के सबसे प्रसिद्ध मंडल यानी शिवाजी काली मंडल में। यहाँ पर माँ की जो बरेठा में जो माँ स्थापित थी मुस्कान वाली, वो यहाँ पर उनकी माँ की स्थापना की गई है। देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है। और ये एरिया हमेशा भाई जगमगाता रहता है 9 दिन तक पूरा, बिल्कुल जो नवरात्रि का उत्सव होता है वो यहीं आकर महसूस होता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सजावट की जाती है। और ये एरिया बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही चहल पहल यहाँ पर पूरे 24 घंटे रहती है पूरी नवरात्रि भर। और अभी चल रहे हैं हम एक और पंडाल की तरफ आपको लेकर। तो ये रहा भाई बहुत ही सुंदर पंडाल, इसी एरिया में ये है भाई पूरा। यहाँ पर भी बहुत टाइम से माँ की स्थापना की जा रही है और ये मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ इस एरिया को। तो कितनी सुंदर माँ की प्रतिमा की स्थापना यहाँ पर की गई है और बहुत ही प्यारी सजावट की गई है। तो देखकर बहुत ही मज़ा आ गया, आप भी दर्शन कीजिए माँ के। जय माता दी। तो
तो अभी घर जाते वक्त गाइस अभी रास्ते में हमारे गांव के रास्ते में पड़ती हैं एक और सुंदर सा पंडाल रानी अवंती बाई बाड़ संतोषी माता की मड़िया के पास। ये बहुत ही सुंदर यहां पर भी प्रतिमा की स्थापना की गई और यहां पर देख सकते हो कार्यक्रम होने वाला है और बहुत ही सुंदर सजावट की गई है। एक और रास्ते में हमको पंडाल पड़ता है गिरिराज स्कूल के पास, तो इस तरफ की भी हमने सोचा क्यों ना कि वीडियो बना ली जाए। ये भी बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है माँ की, बहुत सुंदर लग रही है माँ। तो लाइट बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा क्वालिटी डाउन आ रहा होगा भाई, बहुत दूर से मैं जूम करके वीडियो बना रहा था तो देख सकते हो आप कितनी सुंदर लग रही है माँ की प्रतिमा। तो बढ़ते हैं और आगे की तरफ, तो ये एक और प्रतिमा है जो कि झरना यहाँ पर पड़ता है वहाँ पर एक डीडवारा में ये माँ की स्थापना की गई है। झरना की तरफ मुड़ते हैं हम, झरना जो पड़ते हैं गांधी चौक से तो वहाँ ये पड़ती है और ये आखिरी पंडाल होने वाला है। लास्ट में गांव में जो गांव जाते वक्त पड़ता है झरना के पास, तो ये भी बहुत ही सुंदर लग रही थी माँ की प्रतिमा। मैंने सोचा क्यों ना इनकी वीडियो बना ली जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।